शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। इंसान की बेवजह दूसरे के कारण मौत होती है तो उसका दुख अधिक होता है। अपने राजनीतिक सियासती गणित जमाने के लिए अप्पा साहब और नाना साहब का चेहरा इस्तेमाल करके पीछे अपना राजकीय गणित लगाने का काम करना, ये बहुत ही बुरा है। क्या मालूम उधर ही कितने लोग गए होंगे जगह के जगह पे। आप उनको 5 लाख रुपया देके क्या बड़प्पन बता रहे हैं क्या? सरकार का कार्यक्रम था, सरकार जिम्मेदारी है। सरकार कुछ नहीं करेगी, जो मर गया उसके ऊपर उसकी अंत्ययात्रा निकाली जाएगी, 2-4 फूल उसके ऊपर गिरेंगे, उसके ऊपर ये सरकार कुछ। इस बात का पहले आनंद था कि अप्पा साहेब धर्माधिकार, नाना साहेब धर्माधिकार, ये जो कुटुंब है, ये जो फैमिली है, उनका बड़ा योगदान है, बहुत श्रद्धालु उनके पीछे हैं और उनको ये पुरस्कार देने में मैं सरकार का अभिनंदन भी करता हूँ। लेकिन सरकार का जो आयोजन था उसमें गलत हो गई और 12 लोगों की जान, भरे धूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें नियोजन शून्यता दिखाई दी और इसकी वजह से 12 लोग मारे गए। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सरकारी कार्य। सर जिस तरीके से अन्य लोग जो मारे गए उसके अंदर आपके मतदार संघ के 2 लोग भी है, पुष्पा मध्य ऐसा है कि मेरे मतदार संघ के तो मुझे बुरा लगेगा ही, लेकिन इंसान कहीं का भी हो, इंसान की बेवजह दूसरे के कारण मौत होती है तो उसका दुख अधिक होता है। अपने राजनीतिक सियासती गणित जमाने के लिए अप्पा साहब और नाना साहब का चेहरा इस्तेमाल करके पीछे अपना राजकीय गणित लगाने का काम करना, ये बहुत ही बुरा है। इसका उनको कितना गुस्सा है उस श्रद्धालु के मन में मैं जानता हूँ। मैंने मेरे अनेक लोगों से बात हुई कि कार्यक्रम लिया क्यों, ये कार्यक्रम अगर राजभवन में लेते तो हम टीवी पर देख के आराम से देखते, 1 किलोमीटर के अंतर से क्या नाना साहब और उनके कुटुंब दिख सकता था? नहीं दिखता था। तो ये कौन था जो इतना आग्रही था कि नहीं उधर ही ले लिए, इधर ही ले लिए? छाव देने के लिए कुछ अच्छा कुछ डाला जाता है, थोड़े से पंखे वहां पे लगाए जाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नियोजन शून्य था और जब आदमी महत्वाकांक्षा से पागल हो जाता है तब यह ऐसी घटनाएं घटती है। सर ये निजी से डाली जा सकती थी कि राजनीति कर रही थी, किस तरीके से आप देखते हो सर? ये इसके पीछे अब तो साफ दिखाई दे रहा ना राजनीति है। अगले दिन उसके एक दिन पहले धूप महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में धूप था। वहां से कुछ प्रेस वालों ने रिपोर्ट किया कि भयंकर उन है, धूप इतनी कड़ी होने के बावजूद आप प्रोग्राम कैंसिल नहीं करवाते। एक दिन नहीं होता प्रोग्राम तो कहा जाता है? अब 12 लोगों को अब 5-5 लाख रुपए दे के आए, 5 लाख रुपए से होता क्या है? सर जिस तरह से सरकारी व्यवस्था का बस और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, इतने सुविधाएं ली गई, उसी प्रकार लोगों तक कब न पानी नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि अमित शाह की गाड़ी आने वाली थी इसके लिए पूरी पानी टैंकर को रोका गया क्योंकि VIP मूवमेंट है। एक बात है, दूसरी बात महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, आपने कहा कर्नाटक, कहीं कहीं जहाँ लोग, लेकिन इतने लोग जब बाहर से आते उसकी सुविधाएं नहीं उपलब्ध किए, लोग रात से ही आके बैठे थे। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये जो कार्यक्रम था इतना बड़ा होने वाला था उसका नियोजन बहुत सटीक तरीके से करना चाहिए था,
बीच बीच में टॉयलेट लगाने थे, बीच बीच में पानी का कुछ नियोजन करना था। आप देखिए वो ऐसा 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 गए हैं और पूरे लोग 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 बीच में, एक तो हवा गर्म, ऊपर सूरज, ऊपर अपने सांस भी उस पर काम करती है। अरे अपन अगर स्टेशन में निकलो और जब भीड़ से निकलते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहला सामने वाले को आगे ढकलते, क्यों? क्योंकि अपनी सांस रुक जाती है उसमें। यहां तो 3 घंटे हो बिना कुछ, क्या मालूम उधर ही कितने लोग गए होंगे जगह के जगह पे। सर जिन कलवा वाले जब उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि 5 लाख से आप हमारे व्यक्ति को खरीद नहीं सकते, उसकी बोल नहीं लगा सकते आप। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सरकार का कार्यक्रम, सरकार ये लोग, सरकार के कार्यक्रम में लोग मारे गए, आप उनको 5 लाख रुपया देके क्या बड़प्पन बता रहे क्या? सरकार का कार्यक्रम था, सरकार जिम्मेदारी है, 1 करोड़ रुपये का मुआवजा लीजिए उनको। सर मंच एसी से सजा हुआ था, मंच में पंखे लगे थे, अन्य सुविधाएं थी लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कुछ सुविधाएं नहीं थी। वीआईपी काउंटर था, मैं फोटो देता हूँ वीआईपी काउंटर का, उधर भी अच्छी सुविधाएं थे, सोफा था, ये था वो था, उसके बारे में मुझे ऐतराज नहीं। पर लेकिन जो 25 लाख गरीब लोग आए थे उनको सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी किसकी थी? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, कि वो बिन बाप की औलाद है, मर गई जाने दो, गरीबों की जान क्या जान नहीं होती क्या? सर आप केस रजिस्टर करने वाले हो, किस तरीके से आप आगे फॉलो करने वाले हैं आप इस पे केस रजिस्टर करने? देखो ऐसा है कि मेरे केस रजिस्टर करने से कुछ नहीं होता, ये सरकार हमको मारने की धमकियाँ आती है, हमको उड़ाने की धमकियाँ आती है तो उस केस नहीं लेती है, इसमें तो कुछ सरकार का हाथ है, तो ये क्या केस पुलिस लेने वाली है? क्यों खामोखा आप झूठ झूठ बोलो टीवी पे? ये सरकार कुछ नहीं करेगी, जो मर गया उसके ऊपर उसकी अंत्ययात्रा निकाली जाएगी, 2-4 फूल उसके ऊपर गिरेंगे, उसके ऊपर ये सरकार कुछ। सर आगे से ऑर्गेनाइजर में मामला दर्ज होता है, पर ये मामला दर्ज है तो भी कहीं ना कहीं आप लोग वाले सवाल मत पूछिए, मामला कहीं पे भी दर्ज नहीं होगा। मामला दर्ज करने के लिए हिम्मत और संवेदना लगती है,